एक और दुष्कर्म की घटना हाथरस से सामने आ रही है। आपको बता दें कि परिवार के ही रिश्तेदार ने यह दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है। 6 वर्षीय मासूम के साथ रिश्तेदार ने ही दुष्कर्म किया। मासूम की उपचार के दौरान मौत हुई है। तो एक और घिनौनी वारदात को अंजाम दी गई है हाथरस में। 6 वर्षीय मासूम के साथ रिश्तेदार ने ही दुष्कर्म किया। जिले में एक और बेटी के साथ वही घिनौना कृत्य, जिसको लेकर हाथरस लगातार चर्चा में है, सुर्खियों में है और कहीं ना कहीं लगातार उत्तर प्रदेश में दुष्कर्म की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। नीरज चक्रपाणी हमारे संवाददाता हाथरस से जुड़ गए। नीरज, लगातार अगर हाथरस की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, युवतियों के लिए यूपी सुरक्षित नजर नहीं आता, क्योंकि एक छोटी बच्ची आज फिर दरिंदगी का शिकार हुई है। जी जी जी, मैं आपको बता दूं, ये अलीगढ़ के थाना इगलास की घटना है और इसमें जो है मौसी के यहाँ पे दोनों बच्चियां रहती थी जी, और उसमें से छोटी बच्ची है जो 4 वर्षीय बताई जा रही है, उसका रेप किया गया है और वो भी सगी मौसी के लड़के द्वारा किया गया है। जी बिल्कुल, यहाँ नीरज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम समाज में लगातार ये बात करते हैं कि बच्चियां सुरक्षित नहीं है, लेकिन यहाँ एक और जो तस्वीर नजर आ रही है, मासूम बच्ची के साथ परिवार के ही बेटे ने, रिश्तेदार ने ये घटना को अंजाम दिया है। तस्वीरें हम देख पा रहे हैं जहां पर मासूम का शव यहाँ नजर आ रहा है, भारी भीड़ नजर आ रही है। अब इसको लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? जी, इसमें बताया जा रहा है कि जो इगलास प्रभारी हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है जी, और आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं जो है परिजनों का कहना है कि जब तक इसमें दोषी जो है व्यक्ति उसको नहीं पकड़ा जाएगा, जब तक जाम लगा रहेगा, उसको परिजनों को समझाने की कोशिश की जा रही है। थाना सादावत क्षेत्र के बलदेव रोड पे जो है जाम लगा दिया गया है। बिल्कुल, तो जाम की स्थिति है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन में मासूम बच्ची का शव आपको नजर आ रहा है। ये मासूम बच्ची है, 4 से 6 वर्ष की उम्र लगभग बताई जा रही है, और घर के ही बेटे के द्वारा, रिश्तेदार के द्वारा दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है घर और बाहर कहीं भी बेटियां सुरक्षित नहीं है। नीरज, गिरफ्तारी हो पाई है जिस रिश्तेदार की बात की जा रही है? ये अभी जो बताया जा रहा है कि उसमें एक व्यक्ति फरार बताया जा रहा है, अभी गिरफ्तारी नहीं हुई जा रही है और गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं, कोशिश की जा रही है। चलिए, तमाम जानकारी हम आपसे पूरा लेंगे। बहुत शुक्रिया मासा जुड़ने के लिए। तो मासूम के उपचार के दौरान मौत हो गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं हाथरस से, जहां एक और बेटी के साथ दुष्कर्म, 6 से 4 वर्ष की उम्र बताई जा रही है। रिश्तेदार ने ही इस दुष्कर्म जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया है, जिसको लेकर आप सभी वहां पर रुष्ट नजर आ रहे हैं और आक्रोश का आलम देखिए जहां पर आपको भीड़ नजर आ रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कि क्या समाज में बेटियां सुरक्षित हैं या नहीं, क्योंकि घर हो या बाहर, हर तरफ बेटियां असुरक्षित नजर आ रही है। तो